जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम कैसे मनाएं, आइए थोड़ा समझें कम समय में। जैसे भगवान शंकर जी का अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी का अभिषेक करना है, बाल कृष्ण भगवान का, वो भी रात्रि में 12 बजे। भगवान का प्रकट 12 बजे हुआ था, तो 12 बजे उनका अभिषेक करें। शंकर भगवान जी के अभिषेक में चढ़ाते हैं भस्मी, या भस्म नहीं चढ़ाएंगे, बाकी सभी ज्यों का त्यों है। यहाँ तुलसी दल अर्पण करते हैं, शिव जी के में बेलपत्र अर्पण करते हैं, या तुलसी दल अर्पण करना है, बाकी उसी प्रकार से अभिषेक होगा ठीक 12 बजे, जब भगवान जी प्रकट होते हैं, क्योंकि अर्धरात्रि में भगवान का प्रकट हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, अष्टमी को हुआ था रात्रि में। तो भजन कीर्तन गुणगान करते रहें, उनकी कथाएं सुने, लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं उस समय दूध दही शहद घी बूरा यानी शक्कर, शहद जैसे जीमल आदि कहते हैं, मधु शहद, शक्कर बूरा चीनी आदि, दूध मिल्क आदि जिन नाम से जिले, तो ये 5 चीज हो गई, दूध दही शहद घी बूरा यानी शक्कर, और इसे इसका बना हुआ एक अलग से पंचामृत, वो फल का रस, गन्ना का रस, गुलाब जल, इत्र, पुष्प का अन्य रस, अन्य प्रकार के मेवाओं का मिक्स करके मिश्रण, और गंगा जल, यमुना जल, ये सब तीर्थ का जल, इन जल से भगवान का अभिषेक करें। फिर श्री पुरुषोत्तर के माध्यम से महाअभिषेक करें शुद्ध करके जल से, और फिर उनको अनेक प्रकार के श्रृंगार करें। अगर श्रृंगार में भगवान के वस्त्रों में अगर मोरपंख लगा हुआ है तो बहुत अच्छा, कोई मोरपंख लगा हुआ वस्त्र में नहीं है तो जो संभव है उससे करें, एक मुकुट लगाएं, मुकुट न हो तो छोटा सा मोर मुकुट लगाएं, भाव से जो संभव है वो पहनाएं। पुष्पों की माला, जो माला संभव है, जो उपलब्ध है, अच्छी सुगंधित पुष्प हो, तुलसी की माला, तुलसी के पत्तों की माला, वैजयंती माला, यानी कोई भी माला, तुलसी के माला बनी हो, तुलसी के पत्तों की माला बनी हो, वंशी भूषित भगवान के हाथ में वंशी लगाएं, ये कस्तूरी तिलकम लाज पटले बक्षस्थले कौशलम नाशाग्रे वर मुक्तम करतले वेणु करी कंकणम सर्वांगे हरचंद्रम सुलतम कंठित मुक्तावली गोपस्थी परिवेष्ट उपजिते गोपाल चुनावनी। भगवान का ध्यान करें, जो भी भगवान का मंत्र आता है नारायण जी का, उससे मंत्र से पूजा करें, या ब्राह्मण के द्वारा आचार्य के द्वारा कराएं, और नहीं तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्री कृष्णाय वासुदेव हरि परमात्मनि प्रत्यय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। रात्रि में कष्ट से निवारण करने के लिए इस मंत्र को जरूर बोलें, श्री कृष्णाय वासुदेव हरि परमात्मनि प्रत्यय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक महामंत्र का जप अधिक करें, उनकी कथा कीर्तन करते हुए अच्छी प्रकार से करें, तो ये निश्चित है आपको लाभकारी होगा। भगवान बहुत दयालु है, जिन्होंने पतितों को पावन कर दिया, ऐसे नारायण जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए प्रकट होकर के आनंद दिया, नंद के घर भी आनंद हुआ, वसुदेव जेल और देवी की जेल से जिन्होंने मुक्त कराए, जेल में भगवान आए, जहां कष्ट होते हैं कष्टों में भी भगवान की स्मृति रहती है, तो भगवान उसको कल्याण करते हैं। तो भगवान को नहीं भूलें, 2 कदम भगवान के लिए अवश्य चल के जाएं, अगर 2-4 कदम चल के जाओगे तो भगवान 50-100 कदम चल के जरूर आएंगे, उनका ये नियम है, इसीलिए उनके दिवस को एक महाअष्टमी के रूप में माना गया है। पूरा व्रत रखें, अनाज नहीं खाएं, चावल नहीं खाएं, सूजी भी नहीं खाएं, फलहार ग्रहण कर सकते हैं, पंचमेवा आदि ग्रहण कर सकते हैं, गोले का बुरादा आदि से बने हुए आइटम, खोआ दूध से बने आइटम, और मिश्री आदि शुगर से बने आइटम आप ले सकते हैं,
भगवान का चरणामृत ग्रहण करना चाहिए पूजा के बाद में। 16 उपचार से भगवान की पूजा ये सब करें। भजन कीर्तन तो आप करते ही हो, करना चाहिए। यह रात्रि भगवान के बहुत प्रिय है। रात्रि में पूजा करने के बाद भगवान को अर्घ दे करके नमन करके फिर अपने व्रत को खोल सकते हैं। ऐसे अवसर पर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, गोपाल सहस्रनाम का पाठ, श्रीमद् भागवत कथा सुनना, ये करना भगवान को बहुत प्रिय है। तो आइए करिए जो बन सके। भगवान आपके आंगन में घर घर में प्रकट हों, अच्छी प्रकार से जन्माष्टमी सजाएं, यही हमारी पावन में विनती है। और क्योंकि इसी समय माँ भगवती प्रकट हुई थी, माँ दुर्गा ने काली का रूप लिया, कृष्ण काली हुई, जो योगेश्वरी हुई, जो कंकाली के नाम से मथुरा में प्रसिद्ध हुई, जो विंध्याचल पर्वत पर जाकर के बसी, जो से कंस ने हाथ पकड़ के मारा था, वह देवी को ध्यान करें, वह देवी कृपा करती हैं। तो यह दिन कृष्ण काली और भगवान नारायण के प्राकट्य का दिवस है, और वही कृष्ण काली आदि काली हैं। ओम श्री ह्रीम नमो नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। जय हो प्रभु, कृपा करें। सबके लिए मंगल कामना है, देश विदेश में, मॉरिशस देश में भी और भारत देश में और विश्व में, जहां जहां हिंदू सनातन रह रहे हैं, सभी के लिए मंगल कामना है। सभी इस उत्सव को अच्छी प्रकार से मनाएं। जय श्री कृष्ण, हर हर महा।